एक चीज देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, सुनामी आ रहा है, तो रीजन क्या है ना, कैसे नाप सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी तरंगे होती है, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले, हाँ नहीं है हमारे लिए आसमान था तो आपने क्यों सुनामी हमेशा वहां आती है जहां पे समुद्र तट के आसपास हुआ है, ठीक है, सुनामी का मतलब ये है ना भूकंप है, वो भी एक तरीके का, ठीक किया है, वो भी टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से ही होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ नहीं आने का, यहाँ बाढ़ आएगी क्या, वो भी इतना नाला बना रखा तो बह जाए रोड, सुनामी सुनामी वहां आती है ना समुद्र का किनारा ना, वही सुनामी जो है अभी बीच में कहाँ आएगी, तो देखो नेचुरल डिजास्टर में अगर बात करें तो अर्थक्वेक ही सबसे बड़ा डिजास्टर है, और इसका रीजन क्या है, रीजन समझने के से पहले जो है हमें अर्थ का स्ट्रक्चर समझना होगा, अर्थ के अंदर कौन कौन सी जो है लेयर्स होती है, जिनमें जो है लेयर्स में आपस में जो मूवमेंट होता है अच्छा उसकी वजह से जो है एक डिस पैलेस ग्रो सकता है, ठीक है, और वही जो है हमारा भूकंप हो गया, वोल्केनिक्स, जितना भी ज्वालामुखी वगैरह फटता है वो सब वही है, ठीक है। तो अर्थ को समझने के लिए देखो, अर्थ को देखा जाए तो चार भाग में बेसिकली डिवाइड कर सकता है, ठीक है, तो द इनर पार्ट जो है उसको बोलते हैं इनर कोर, जो कि बहुत ही ज्यादा ज्वलन एक तरीके से बोलते हैं, पूरा बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है, कई हजार डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फिर उसके ऊपर है हमारा आउटर कोर, फिर मेंटल, फिर क्रस्ट, ठीक है। सो ये सारा जो है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब कंपोजिशन ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे मिला हुआ है, मतलब मिलके बना है, वो पूरा जो है कंपोजिशन इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो वहां पे हम लोग रहते हैं वो क्या हो गया, क्रस्ट, है ना, तो क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट एक लेयर होती है जहां पे हम लोग रहते हैं, और झरने, नदी, सब कुछ बने, समुद्र, सब क्रस्ट है, ठीक है, और ये बेसिकली सबसे थिन लेयर है, सबसे थिन लेयर है। उसके बाद जो है तुम्हारा मेंटल आता है ना, तो जो क्रस्ट है सबसे थिन लेयर है, और बेसिकली इसकी जो थिकनेस होती है 70 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, और समुद्र के तट पे बात करी जाए तो ये अराउंड, क्योंकि देखो जो मैक्सिमम गहराई होती है समुद्र की वो 60 है ना, 65 या फिर 50 कहीं पे, मोस्टली तो 10 20 30 के ही रेंज पे होता है, ठीक है, हाँ किलोमीटर, ठीक है ना, तो और है ना, तो 60 पहुंच गए, तो 60 के लिए फिर जमीन शुरू हो जाती है, टाइटेनिक का जहाज है, अभी कौन सी पनडुब्बी गई थी, ओशियन गेट है ना, वो पनडुब्बी नहीं था, वो तो बोलते हैं सबमर्सिबल, एक सबमरीन होता है, सबमर्सिबल होता है, तो सबमर्सिबल जो है वो ऊपर से मॉनिटर करिए, और जो सबमरीन होती है वो नीचे से जो है मॉनिटर होता है, जहां पर तुम्हारा सबमरीन होता है वहीं के जो है इंजन वगैरह सब कुछ वहीं होता है, वहीं से सब कुछ होता है, लेकिन उसमें क्या था, तो नीचे गई और फिर जो है इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा उसमें वो बर्स्ट कर गई, क्या होता है सिर्फ आपको घड़ी पहन के हो गई, जैसे बहुत अच्छी घड़ी आती है तो उसमें लिखा होता है 10 मीटर वाटर रेजिस्टेंस, 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंस, सॉक प्रूफ की बोलते हैं ना, सॉक प्रूफ, जी सॉक की घड़ी आती है ना, तो उनमें यही होता है कि जैसे जैसे आप वाटर लेवल के अंदर जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर को झेलती होती है, ठीक है, तो इस तरह से जैसे अर्थ के अंदर जाते हैं तो अर्थ के अंदर भी जो है प्रेशर बढ़ता जाता है जैसे जैसे नीचे मूवमेंट करेंगे, तो अब क्या है कि भाई देखो जो क्रस्ट है उसकी जो थिकनेस है दैट इज 70 किलोमीटर है ना, एवरेज थिकनेस है, और अगर जो आप यहाँ पे जाओगे सी लेवल पे चले गए तो 65 या 60 है ना तक पानी रहेगा, और फिर नीचे आपकी फिर से, फिर
उसके बाद जो इसका कंपोजिशन है दैट इज बेसिकली सिलिका है ना, सिलिका जो आपका ये रेत होती है ना, और फिर जो है मैग्नीशिया आयरन ऑक्साइड ये सब चीजें जो है होती है आपके सरफेस पर। ऑक्साइड इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो कोई भी मेटल होगी रिएक्टिव होगी तो ऑक्साइड फॉर्म कर होगी। फिर बात करते हैं मेटल का। सो ये क्या होता है, ये देखो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी है ना, तो यहाँ पे क्या है डेंसिटी मतलब घनत्व है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एकांक आयतन में कितना मास जो है रिसाइड कर रहा है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे मेंटल में गए तो इसकी जो थिकनेस है दैट इज 3000 किलोमीटर और यही लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर योर अर्थ भूकंप के लिए, यही लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। और मतलब इसका ये है कि कहीं कहीं तो सॉलिड है कहीं पे लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, मेल्टेड फॉर्म में भी हो सकती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब जो है अब देखो क्या है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये रॉक्स होती है ये परमानेंटली जो है मूव करती रहती है, कंटिन्यूअसली इनके बीच में मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, और इसकी वजह से कभी कभी ये सिंक करती है, कभी कभी एक्सपैंड करती है, कभी कभी रॉक्स पास में आई या कभी कभी एक्सपैंड करती है। तो जब रॉक पास में आएगी तो भूकंप आएगा, और जब रॉक दूर जाएगी तो क्या होगा भाई, नीचे हमारा लावा भरा हुआ है नीचे, अगर जो ये सब लावा है ना, अगर जो लावा भरा है रॉक्स एक दूसरे से दूर गई तो क्या होगा, नीचे से लावा उबल के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो वो बन जाएगा तुम्हारा ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब जब सिंक होता है तब क्या होता है और जब स्पैंड होगी रॉक्स तब क्या होगा। ठीक है, तो वो चीज जो है बेसिकली मूवमेंट से ही पता लगता है कि हमारा भूकंप आएगा या फिर सुनामी आएगा या फिर आएगा ये क्या बोलते हैं आपका ज्वालामुखी। ठीक है, सुनामी मतलब क्या है कि वो भी एक तरीके का भूकंप ही जो किसमें आता है ओशियन है ना, मतलब समुद्र में आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है मतलब बहुत तेज मूवमेंट हुआ प्लेट्स में, तो क्या होगा कि भाई जब मूवमेंट हुआ तो अंदर भूकंप आया, उसने क्या कर दिया पानी बाहर फेंक दिया, तो वही जब पानी बाहर आ जाता है तो क्या होता है कि भाई शहर में भर गया या किसी चीज को बाहर ले गया, अपने जापान में आया ऊर्जा क्या आ जाएगा। तो ये चीजें हैं। फिर बात करते हैं आउटर कोर, ये आउटर कोर है ये बेसिकली क्या है कि जस्ट इनर कोर के ऊपर है, तो यहां पे जो भी मटेरियल होगा वो किस फॉर्म में होगा, मेल्टेड फॉर्म में होगा है ना, तो वहां पे मतलब जितने भी आपके खनिज होते हैं है ना, खनिज सब किस फॉर्म में होंगे, मेल्टेड फॉर्म में होंगे। ठीक है, और यहाँ पे मोस्टली जो है तुम्हारा आयरन निकल जो है क्या बोलते हैं मेल्ट फॉर्म में होता है, इसमें बोला जाए कि भाई क्या बोलते हैं इतना ज्यादा आयरन और निकल है तुम लोग, मतलब आयरन और निकल इतना महंगा है, तो उसका रीजन ये है कि इतना नीचे से कैसे डिगिंग कर मतलब डिग कैसे करें, वो एनजीसी वाले जो काम करते हैं जो सुना होगा ना एनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है ना, तो उनका काम क्या होता है वो रिफाइनरी के जो है ऑयल निकालते होते हैं, तो वो भी उनका भी एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, वो भी डिग करते हैं है ना, और कभी कभी बहुत ज्यादा कई जगह पे जो है उनको जो है ऑयल का पता चल जाता है लेकिन वो निकालते नहीं होते, क्यों, क्योंकि अमाउंट नहीं पता होता है। जैसे यहाँ भी अगर तुम देखोगे तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह होंगी जहाँ हो सकता है आपको ऑयल मिल जाए लेकिन उतना नीचे है तो आप जितना उस पे छेद करके उसको निकालोगे मतलब जितना उसमें कॉस्ट लगा दोगे ना उतने का पेट्रोल नहीं, मतलब कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से जो है हम लोग ये बोलते होते हैं कि भाई हम इस कोर से ना निकाल के जो हमारा ये है खाने वहां से प्रेफर करते हैं क्योंकि वो इजिली है ना अवेलेबल और प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। सबसे ज्यादा इंडिया में कौन सी ये है खनिज है, हाँ बॉक्साइट है ना, कौन सा मोस्ट एबंडेंट अभ्रक है ना, है ना अभ्रक को क्या बोलते हैं इंग्लिश, बॉक्साइट है बॉक्साइट हो गया था Thank you.
Fox side. Yes. एल्यूमिनियम का ऐसे ना, एल्यूमिनियम का ही है बॉक्स, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, माइका बोलते हैं, और इसको बॉक्साइट को बॉक्साइट ही बोलते हैं। बॉक्साइट जो है सबसे ज्यादा जो है एबंडेंट है ना इंडिया में, तो शायद यही बॉक्साइट ही है ना। देखो सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोड्यूसिंग, मोस्ट अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया है, इससे पहले का देखो डेटा, अभी तो बहुत पीछे है, इंडिया बहुत पीछे है। चलो कोई नहीं, तो देखो दी दिस लेयर ऑफ अर्थ इज इन लिक्विड स्टेट एट अ टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस, और इसमें क्या है निकिल और आयरन की सबसे ज्यादा अधिकता है। फिर जो आउटर कोर है वो क्या है कॉन्स्टेंटली इन मोशन, ठीक है, हमेशा उसमें जो है मोशन तो रहता ही है। और फिर क्या है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को जनरेट करने के लिए दिस इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल लेयर, जो आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल सब होता है बिकॉज ऑफ इट। सो अभी जो नेक्स्ट है दैट इज इनर कोर, दिस इज द हॉटेस्ट कोर है ना, यहाँ पे 7000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर है, और यहाँ पे जो खनिज है वो मेल्ट अवस्था में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर से इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि वो मेल्ट हो ही नहीं सकता, टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, ये होना चाहिए भाई मेल्ट हो जाना चाहिए खनिज, लेकिन वो मेल्ट नहीं ना होके सॉलिड फॉर्म में रहता है बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सीस्मिक वेव, ठीक है ना। तो सीस्मिक वेव क्या है, एक तरीके की तरंग होती है, जो कि मतलब क्या होता है दैट ट्रेवल्स थ्रू द अर्थ और अनदर प्लेनेटरी बॉडी, मतलब अर्थ में जो ट्रेवल करती है वेव, मैकेनिकल वेव जो अर्थ के अंदर ट्रेवल करती है, ठीक है, ठीक है ना। जैसे आप देखो कोई भूकंप आएगा ना, तो ये सीस्मिक वेव्स ही होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसा नहीं कि वो इसका नेचर हो सकता है, ट्रांसफर्स हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, बट उनका जो ये है इसको सीस्मिक वेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है वो काफी ज्यादा होता है, वेवलेंथ एम्पलीट्यूड वगैरह जो है, इट कैन रिजल्ट फ्रॉम एन अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, मैग्मा मूवमेंट, ठीक है, लार्ज लैंडस्लाइड, जहां भी कोई लार्ज मूवमेंट होगा ना, मतलब कोई क्योंकि देखो कोई भी छोटी सी भी चीज होती है तो वेव्स के थ्रू जो है आगे तो, जैसे आप साउंड में स्पीकर को किया है ऑन, तो क्या होता है साउंड वेव्स जनरेट हुई, और क्या हुआ कि वो उन्होंने जो है मूव करना शुरू किया, आप डिपेंड करता है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है ना, किस फ्रीक्वेंसी पर जो है वो मूव कर रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगी वो डिस्टेंस ट्रेवल करोगी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ये सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके थ्रू हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो अब जो है सीस्मिक वेव का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा बहुत दूर तक ये इफेक्ट करती होती है, तो इट कैन रिजल्ट फ्रॉम अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, मैग्मा मूवमेंट, लार्ज लैंडस्लाइड, ठीक है, और फिर मैन मेड एक्सप्लोजन, जैसे हमने ये किया क्या बोलते हैं एटॉमिक बम गिराया, तो उसके थ्रू भी जो है सीस्मिक वेव से रिलेटेड, और उसने क्या किया बहुत दूर तक के इलाकों को जो है प्रभावित कर दिया, तो वो भी एक तरीके का सीस्मिक वेव सोर्स हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, देखो सीस्मिक वेव हो गई, अब एक तरीके से पृष्ठभूमि तैयार हो गई है ना, मतलब हमने अर्थ का देखा कहां कहां से कौन कौन सी लेयर्स हैं, और कौन सी लेयर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंटल है ना, मेंटल के अंदर ही जो है प्लेट्स मूवमेंट होंगे, और वही प्लेट मूवमेंट डिसाइड करेंगे वेदर इट विल बी अर्थक्वेक है ना, या फिर वॉल्केनिक कोई एक्शन होगा, या फिर सुनामी होगा, वो सब चीजें डिसाइड करेगा मूवमेंट ऑफ प्लेट्स,
तो अर्थक्वेक की बेसिक से डेफिनेशन है, ठीक है, मतलब क्या होता है, इट इज बेसिकली शेकिंग ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, मतलब अर्थ सरफेस का शेक होना, शेक मतलब एक तरीके से ऐसे ऐसे जो है शेक, वो बोलते नहीं पानी डाल के ऐसे गिला दो उसको बोतल को, वो बोतल शेक शेक किया आपने, इसी तरह से ये जो सीज़मिक वेव होती है वो अर्थ सरफेस को शेक कर देती है, ठीक है। और जो लिथोस्फीयर है ना, दैट इज बेसिकली बिलो ये, है ना, ये जो है ना पूरा पार्ट हमारा लिथोस्फीयर है, अबव जो है मेंटल, मेंटल और देखो मेंटल तो ये यहां तक हो गया, मेंटल का थोड़ा सा पार्ट और इसके ऊपर जो तुम्हारा ये है ना क्या बोलते हैं एक से लेके 100 किलोमीटर की जो रेंज है वहां पे जो है लिथोस्फीयर रहता है, ठीक है, और 70 किलोमीटर तक क्रस्ट, ठीक है। तो अब देखो क्या है, sinking of surface of earth resulting from sudden release of energy in the earth lithosphere that creates seismic, ठीक है। अब देखो क्या है, यहां पे ये है मेन फिगर, ठीक है, अब ये क्या है मेंटल एक तरीके का हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ कि भाई उसी तरह से अगर जो हमने या तो बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स बना दी या कंस्ट्रक्टिव कोई वर्क कर रहे हैं, है ना, एक जगह की जमीन निकाल के दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, क्या होता है उसको घुमा दिया, है ना, इधर का जमीन मिट्टी पौधा दूसरी जगह डाल दिया, एक जगह जो है क्या हो गया हल्का हो गया, दूसरी जगह भारी हो गया, तो एक तरीके से डिसबैलेंस हुआ। तो जब डिसबैलेंस हुआ, डिसबैलेंस देखो नीचे होगा ना, नीचे अर्थ सरफेस से नीचे, तो ये प्लेट्स जो है ना मतलब एक लिंटर होता है, जैसे आप खड़े होते हो तो एक जैसे ये बिल्डिंग है तो लिंटर से बनी, अगर इन लिंटर्स में कोई मूवमेंट हो जाए तो वो भी बिल्डिंग है ना, तभी तो जैसे अभी क्या सिस्टम है फ्लैट्स में कैसे भी लोग डिजाइन करवा लो, बिकॉज वो लिंटर पे टिका हुआ है, तो आपको जस्ट ईटे रखनी है और सब कुछ बन जाएगा, तो ये एक तरीके का लिंटर है अर्थ का, ठीक है, नींव है ना, बहुत क्या बोलते हैं जो भी होगा इन्हीं प्लेट्स के थ्रू जो है ऊपर जो है जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्लेट्स में मूवमेंट हुआ, तो प्लेट में जो मूवमेंट हुआ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हुआ, है ना, तो उस पॉइंट से क्या होगी वेव्स जनरेट होगी, और उसके जो एग्जैक्टली ऊपर होगा, एग्जैक्टली ऊपर होगा दैट इज कॉल्ड एपिसेंटर, है ना, और इससे क्या होगा यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है इफेक्टेड इफेक्ट आएगा, है ना, उसके बाद ये इफेक्ट कम होते जाएगा डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो जितना दूर हम जाएंगे कि सेंटर से उतना कम हमें जो है एहसास होगा किस चीज का, वो कम होगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इपी सेंटर कहाँ है, है ना, तो इपी सेंटर पता करने के लिए अभी जैसे ये आया था तुम्हारा क्या बोलते हैं नेपाल में आया था ना, जब गोरखपुर में थोड़ा महसूस किया गया काठमांडू, है ना, तो एपी सेंटर क्या था उसका, नेपाल वाले भूकंप का एपी सेंटर क्या था, काठमांडू में ही था ना, काठमांडू वाज एपी सेंटर, वहां पे सबसे ज्यादा डिजास्टर आई, फिर वो जो है कम होती गई, उन्होंने कुछ गलती करी होगी या कुछ नीचे प्लेट्स में, क्योंकि क्या होता है ना जो भी क्या बोलते हैं आपका एक देश है दूसरे से समुद्र के थ्रू जो है मतलब सेपरेटेड है, जैसे एशिया और ये हमारा यूएसए जो है अलग अलग हो गया है ना पर्टिकुलर ओशियन से, तो ओशियन के अंदर भी जो है प्लेट्स होती है ना, क्योंकि बताया ना जैसे 65 किलोमीटर तक तो आपका पानी हो गया फिर नीचे फिर अर्थ शुरू, तो वहां जो है आपका हमेशा भूकंप एक तरीके का आता ही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्लेट्स जैसे हमारा ये है हिमालय है उसकी ऊंचाई जो है बढ़ती जा रही है प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से, है ना, कोई इधर से दबा रहा है देश कोई उधर से ऊपर दबा रहा है, ये क्या होगा ऊपर को उठेगा, है ना, तो ये एक तरीके का सीस्मिक मूवमेंट बोलते हैं या फिर सीस्मिक वेव्स के थ्रू जनरेटेड एक डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो ये हमारा फोकस हो गया और ये जो है एपिसेंटर होता है। अब इसमें क्या है देखो, ये सारी वेव्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, पहली वेव को बोलते हैं प्राइमरी वेव, दूसरी वेव को भी सेकेंडरी वेव,
प्राइमरी वेव मतलब प्राथमिक तरंग है ना, दूसरी हो गई सेकेंडरी वेव दैट इज लव, अरे सॉरी सेकेंडरी वेव दैट इज कॉल्ड गॉड तरंगे, और थर्ड वन इज एल वेव है ना, दैट इज कॉल्ड लव वेव। इसका कोई साइंटिस्ट और उसके नाम पे है डब्ल्यू एच लव ऐसा कुछ नाम, ठीक है। तो जो पी वेव है ना, देखो जो पी वेव है उसकी जो स्पीड होती है, जैसे ये देखो यहां ऐसे जनरेट हुआ है ना, ये वेव जनरेट हुई, अब क्या है इसके थ्रू क्या होगी, या तो लॉन्गिट्यूडनल बनेगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है पता है, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य तरंगें, हाँ अब क्या होता है आप बताओ, डाउन और अप ये ऐसे नहीं चलती एक लाइन के अलॉन्ग चल रही है अनुदैर्ध्य, जैसे तुमने एक स्प्रिंग ली है ना, स्प्रिंग को ऐसे लटका दिया उस पे वेट, ठीक है, और वेट को थोड़ा खींचा फिर छोड़ दिया, तो क्या हो गया इस पे वेट ऊपर नीचे चलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। और वही आपने क्या किया, एक रस्सी उधर से बांध दी और ऐसे कर दिया उसको, तो वो अनुप्रस्थ हो गया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स, ठीक है। लाइट कैसी है, वेव है, लाइट कैसी वेव है, हाँ अनुप्रस्थ है ना, ट्रांसवर्स। थोड़ा सा जो है इंग्लिश की वर्ड्स को क्या होता है ना, ऐसे मान लो हिंदी में आपको आता है, हिंदी में तो आप आता है लेकिन इंग्लिश से कंफ्यूज हो जाओ तो वो चीज थोड़ा खराब होती है, इसलिए कीवर्ड्स को जो है कोशिश करो कि आप इंग्लिश हिंदी में दोनों में जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर जो आप कंफ्यूज हो गए तो समस्या आ रहा हूं, ठीक है। तो देखो जैसे जो है क्या होता है ना, हीट कम इफेक्ट कर पाती है डिस्टेंस के साथ, जैसे आप देखो एक होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो अगर सरफेस को आपने एक तरीके से देखो आप क्या होता है, जो फिल्टर वाला एक थर्मस आता है, ठीक है, उसमें आपने ठंडा पानी भर दिया है ना, तो क्या करता है वो एक थर्मल लेयर बना, जिसके थ्रू जो है हीट ना तो अंदर जा पाती है ना बाहर निकल पाती है। तो सर्दी में भी एक तरीके से क्या है, तुम्हारा जो ये सरफेस है ना एक तरीके का इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है ग्राउंड वाटर के साथ, तो वो क्या होता है कि टेम्परेचर जितना था एक्चुअली उतना ही रहता है टेम्परेचर, अगर ठंडी में देखोगे ना जो आपने गर्मी में पानी निकाला वो ठंडी इसलिए लग रहा है क्योंकि वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर थे, और ठंडी में जब ऊपर निकाला तब भी उसी टेम्परेचर थे, लेकिन क्या है कि ऊपर जो है ठंडी हो जाती है, हाँ गर्म हो जाता है वो एक्चुअल टेम्परेचर है उसका जो है, ठीक है, लेकिन जब गर्मी में निकालते हैं एटमोसफेयर हमारा गर्म हो रहा है तो ठंडा हो जाता है, ठीक है। और अगर ठंडी में देखोगे टेम्परेचर तो उसका वही है, जो ऊपर आएगा फिर उसका भाई भाप इसलिए निकलती है क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है ज्यादा है, अगर जो आप देखोगे ठंडी और गर्मी दोनों में अगर जो पानी निकाल के रखोगे आप दोनों का टेम्परेचर सेम रखे, लेकिन बाहर का एटमोसफियर जो है वो मैटर करेगा ना, है ना, बाहर अगर जो गर्मी हो रखती है तो ऑब्वियस सी बात है अगर जो अंदर का आपका पानी है इसका तो टेम्परेचर वही, उसको नहीं पता ना गर्मी हो रखती है ऊपर तो उतने ही टेम्परेचर का रहेगा ना, तो ये रीजन हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल माध्यम की दिशा में ही चलता है, जिधर माध्यम जाएगा उधर ही जो है वेव प्रोपोगेट कर रही है, मतलब एक तरीके का अगर जो आप बोलते हैं ना कि एक होता है पैर उठा के चलना और एक होता है घिसट के चलना, तो पैर उठा के चलोगे तो हो गया परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे जा रहा हो ऐसे ऐसे, और घिसट के जा रहा हो तो ऐसे माध्यम के अलॉन्ग ही जा रहा है ना, तो एक लॉन्गिट्यूडनल होगा एक ट्रांसवर्स। आप देखो एन मतलब फ्रीक्वेंसी,
है ना, एन मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, जो पी वेव होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, ठीक है। अब देखा जाए जैसे नंबर ऑफ ऑसिलेशन का मतलब वेव जो है ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा उसमें जो है साइन वेव्स के वो बनेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये जो है और थोड़ा कम दब जाए ऐसे, है ना, ठीक है। और दूसरा क्या है, पी वेव जो है तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब अनुदैर्ध्य, है ना। और तीसरी चीज क्या है, इसकी जो स्पीड है दैट इज वेरी हाई, 6 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा जो है वेलोसिटी जो है तुम्हारी ये हो गई 6 किलोमीटर पर सेकेंड। दूसरा नेचर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, और लास्ट वन इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तीनों में जो है ये चल सकती है ना, ये प्रोपोगेट करेगी सॉलिड लिक्विड और गैस में। दूसरा है तुम्हारा, दूसरी वेव है एस वेव, ठीक है। जो एस वेव है वो तुम्हारा जो है ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। एस वेव मतलब ट्रांसवर्स, अभी मैंने इसमें दिखाया हुआ है जस्ट आपको ये करने के लिए, ठीक है। इसको अगर तुम माध्यम मानोगे तो किसी के लॉन्ग माध्यम मानोगे, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा माध्यम है। अगर ट्रांसवर्स हो गई है वेव, है ना, इसकी वेलोसिटी जो है 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ जो है इससे ज्यादा होती है, ठीक है। वेवलेंथ जो है इससे ज्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी से कम, है ना, फ्रीक्वेंसी कम होगी। कम कम का मतलब क्या हो गया, थोड़ा और दूर दूर ऐसे कर बनेंगे। फिर क्या है, लास्ट वन इज एल वेव, दैट इज लव वेव, ठीक है। इसमें जो है फ्रीक्वेंसी सबसे कम, मतलब एक ऑसिलेशन हुआ उसके बाद दूसरा ऑसिलेशन पता नहीं कब हुआ, ठीक है, फिर तीसरा ऑसिलेशन कब हुआ। तो ऐसे क्या होगा कि जब वेवलेंथ लीस्ट होगा, हाँ फ्रीक्वेंसी जब लीस्ट है और वेवलेंथ यार ये लीस्ट ही हाईएस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट है ना, ये गलत है, गलत हो गया, ठीक है। वेवलेंथ है हाईएस्ट है, फिर जो वेलोसिटी है वो 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड और लास्ट वन इज ओनली सॉलिड ट्रेवल्स टू ओनली सॉलिड्स। तो सबसे ज्यादा अगर जो डिस्ट्रक्टिव देखी जाए तो कौन सी है, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी होगी, हाँ एल वेव या पी वेव, पी 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 क्यों होगी यार, एक चीज देखो वेलोसिटी तो ज्यादा है लेकिन इसकी वेवलेंथ कम, तो ट्रेवल नहीं कर पाई वो, समझे। अगर जो वेवलेंथ कम हुई फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो मतलब थोड़ी दूर तक ट्रेवल होगी, थोड़ी देर तक ट्रेवल नहीं होगी, और उसका एम्पलीट्यूड देखो कम है ना, एम्पलीट्यूड कम है। इस केस में देखो यहां पे क्या है, एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा हुआ है ना, वेवलेंथ थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, लेकिन जो एल है उसका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा है और वेवलेंथ भी ज्यादा है, मतलब अगर जो आ गया वो बहुत दूर तक जाके परेशान करके जाएगा, है ना। तो आप समझे, मतलब जो एल वेव है मोस्ट डिजास्टर, है ना, डिजास्टर जो एल वेव हो सबसे ज्यादा खतरनाक, ठीक है कि नहीं, है ना। क्योंकि यहां पे क्या है आपका वेवलेंथ थोड़ा सा इसको और ऐसे करना था और फैलेगा ये, है ना, तो वेवलेंथ जो है ज्यादा हो जाएगी। वेवलेंथ ये होता है कि जैसे एक ऑसिलेशन यहां से यहां तक हुआ तो दिस इज लैम्डा, फिर यहां से फिर दूसरा ऑसिलेशन अगेन अगेन आगे अनदर लैम्डा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए ना, ऐसे, है ना। तो ये लैम्डा जो है ज्यादा है, एम्पलीट्यूड भी ज्यादा है और वेलोसिटी कम है, तो मतलब वेलोसिटी कम होने का मतलब ये है कि वो मतलब पूरा दूर तक जाएगी, है ना, एम्पलीट्यूड ज्यादा वेलोसिटी कम,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेवलेंथ, वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो बहुत दुखी करेगी। ठीक है, अब ठीक है, आगे जिसकी विरोधी तरफ और व्यक्त जगह है वो तरफ प्रमाण है तो इसकी कम है उसको बारह। हाँ, अब जो डीसी का ही है उसकी जगह जो है तरंग और व्यक्त नहीं होती। तरंग व्यक्त क्या है मतलब वो ऐसे चीज है डायरेक्ट छोटे से उसकी तरंग वो व्यक्त और स्वर्ग बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं होती है। डीसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है वो एक डीसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और ये जो कैसे होता है इसकी तरंग और व्यक्त ठीक है। ये माना जाता है कि अगर एसी वोल्टेज का प्रश्न लग जाए तो आपके को तो समान है कि डीसी का है ही लोअर का है। डीसी डीसी एक चीज देखो, डीसी डीसी वोल्ट हम लोग कितना यूज करते हैं 12 वोल्ट 24 वोल्ट कभी 230 वोल्ट डीसी सुना है 110 वोल्ट होती है वो जब आप लैपटॉप वगैरह चार्ज करते हैं ट्रेन पे ट्रेन पे होती है ट्रेन पे होती वो भी एसी होता है इट्स नॉट एसी एसी होता है वो नहीं नहीं एसी नहीं होता तो एसी होता आप लैपटॉप चार्ज करते हो वो मतलब फ्लक्चुएशन होता है ना वो उतना खतरनाक नहीं लेकिन अगर डीसी 223-230 वोल्ट आपने उसमें लिया तो बहुत दिक्कत है। इसलिए लगाते हैं 110 वोल्ट अगर 220 के लगा रहे थोड़ा चुरा ले जाएंगे चोरी कर लेंगे क्योंकि वो पंखे घर में चल जाएंगे समझे। अगर 220 वोल्ट का लगा देंगे तो क्या होगा कि वो वहीं से खोल ले जाएंगे इसको रात में क्योंकि खड़ी रहती है ट्रेन। यही हुआ था पहले पहले जो है ना 220 वोल्ट के पंखे लगा दिए अब सारे पंखे खुल गए ट्रेन के क्योंकि क्या हो रहा था वो घर में यूज हो रहा था पंखे। हाँ तो मतलब ये होता है ना कि इसमें अभी आप जहां भी देखोगे पावर अभी क्या 110 वोल्ट इसको इसलिए किया हुआ है पावर कॉर्ड्स को क्योंकि लोग हजार हजार वोल्ट वोल्ट की वो लेके जा रहे हैं कैटल वगैरह लेके जाते हैं उसी में रखकर पानी का पार तो आवाज पता है सुनाई नहीं देती यहाँ तक आती ही नहीं आज की वीडियो का सबटाइटल इसी तो गेम हो गया है आवाज इधर आ जाओ वाई 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 की का हाँ हाँ देखो क्या होता है ना अभी अभी जो राउटर्स आ रहे हैं वो गोल बैंड आ रहे हैं ना जब आप जियो फाइबर अगर किसी ने लगवाया हो उसमें दो सिग्नल आते हैं एक 5 GHz का एक 2.4 या 2.5 2.5 GHz का तो जो 2.4 वाला है उसकी रेंज तो ज्यादा होती है लेकिन उसमें जो है स्पीड कम होती है और जैसे 5 GHz है स्पीड ज्यादा होती है ना वो बैंड बैंड मतलब होता है कितना स्पीड जो है वो खा लेता है कितने बाइट पर सेकंड का हां एलवेव हाँ मतलब ये देखो ज्यादा दूर तक जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है लेकिन एलवेव इज वेरी डिफरेंट मतलब वो हाँ काइंड ऑफ बोल सकते क्योंकि देखो अगर जो आप एल वेव की बात करोगे तो आप सीजनिक वेव में आ गए सीजनिक वेव मतलब बहुत दूर वाली बात कर रहे हो आप है ना बहुत दूर दूर उसके जो है ये क्रस्ट वाली दुनिया का कवर है प्रो है ना क्रस्ट ऑफ क्रप क्रप ठीक है तो ये है बेसिक सा डिफरेंस तो मतलब ये है कि अभी तुम बोल रहे थे क्या तो वहां पे अच्छा डीसी में भी देखो जब सोलर स्टेशन होते हैं तो वहां बहुत सारे सोलर पैनल्स लगा रखते हैं और फिर नीचे बैटरी कैबिनेट लगा रखा होता है वहां एक डेंजर पहले ही बना होता है कि हाई वोल्ट डीसी करंट है ना टच मत कर लेना बहुत ज्यादा खतरनाक
डीसी करंट इज मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू एसी। पर इसमें ये है कि हम लोग जो घर में यूज करते हैं 10 वोल्ट 12 वोल्ट है ना, जो एडाप्टर आते हैं वो 9 वोल्ट के आते हैं, तो ये डिफरेंस है। अगर जो आप उसके उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दोगे एम्पलीट्यूड बढ़ा दोगे दिक्कत कर जाएगी। ठीक है, फिर जो है अच्छा ये जो है ना ये एक नॉब होता है, ये मतलब हमारा जो भूकंप होता है ना उसको नापने का यंत्र है, और ये बता नहीं सकता है कि भूकंप आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। अगर जो बहुत तेज आ गया ना भूकंप से तभी बताएगा ना तेज आएगा, प्री क्या बोलते हैं हम ये प्री प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, प्रिडिक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते भूकंप आ जाएगा, ये मेजर कर सकते सही मतलब बिलबिना मतलब है इसमें। ठीक है, तो रिक्टर स्केल में जो है नापते होते हैं हम लोग है ना, 1 से 9 रिक्टर स्केल होता है, और फिर इसको बोलते हैं सीस्मोमीटर, और जो स्टडी होती है इसकी सीस्मोलॉजी बोलते हैं, और जो ग्राफ बनता है इसको सीस्मोग्राफ बोलते होते हैं। ये एक मतलब बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है, ये बिल्कुल एक लीडी लगी हुई है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जैसे जैसे आप हम लोग जो पढ़ते थे वहां पे आईएसएम धनबाद में, तो वहां पे उनकी ऑब्जर्वेटरी है सीस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, तो वहां पे इन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, तो उसके किनारे जो है मतलब इतना ये होता है सेंसिटिव होता है, मतलब आप चलोगे ना तो ये सुई जो है ये कर्व ट्रेस करने होती है ऐसे, मतलब जस्ट आपके बोलते हैं जैसे यहाँ इस पे रखा है इस पे इंस्ट्रूमेंट रखा आपने ऐसे मारा तो ये पूरा ये ऐसे डिग्रेड कर जाएगा, और बाकी तो ऐसे ये रोल घूमता रहता है एक तरीके का, ये जो है आपका पेपर रोल होता है, एक खास तरह का पेपर होता है जिसमें बहुत ज्यादा आपका फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, और उसी पे ये नॉब सुई ऐसे घूमती रहती है, ये ऐसे रोलर घूम रहा है और सुई इसके ऊपर ऐसे रखती है। ठीक है, जैसे कोई मूवमेंट होता है सुई ऐसे कर दिया, फिर जो जैसे कोई मूवमेंट फिर ऐसे है ना, तो ये तुम्हारा जो है ना सारे पैरामीटर्स हैं, इनसे जो है हम लोग पैरामीटर सेट करते होते हैं कि हाँ ऐसे होता है ना कि आपने वेट रख दिया, एक ये आता है ना वेट नापने वाली मशीन आती है डिजिटल, तो जैसे क्या है कि एक ये होता है ना क्या बोलते हैं बर्तन होता है जिसमें आप सामान रखते होते हैं, सेब ले लिया आपने तो सेब को उसने एक बर्तन में रखा, तो जब बर्तन रखता होता है तो उसको जीरो पे सेट कर देता है ना, तो वही है ये सारे ऑफसेट पैरामीटर्स जिसमें कि अगर तो कोई नॉर्मल एक्टिविटी हो रही है उसको डिटेक्ट कर रहे, इससे जो है पैरामीटर को कंट्रोल करते हैं उसको जीरो कर देते हैं, और फिर जब कोई बहुत तेज चीज होगी तब ये पूरा अपना करता है। ठीक है, अच्छा क्या होता है कि अगर जो भूकंप की इंटेंसिटी कई जगह पे सेम है ना तो उसको बोलते हैं आइसोसिस्मल है ना, आइसोसिस्मल है ना, और होमोसिस्मल क्या होता है अगर तो सेम टाइम पे हो रहा है ना, सेम टाइम पे भूकंप आ रहा है जो जगह पे तो उसको बोलेंगे होमोसिस्मल, और अगर जो सेम इंटेंसिटी का आ रहा है दैट इज कॉल्ड आइसोसिस्मल। ठीक है, अब लास्ट है इसके बाद छोड़ देते हैं है ना मैच खेलना फाइन। ठीक है, तो ये है सुनामी, सुनामी इंडिया में एक ही बार आई है, कितनी बार आई है, एक बार आई है ना, दो बार आई है, एक बार तो खतरनाक वाली आई थी हाँ। तो सुनामी क्या है, जैसे मान लो ये है आपका एक एक मान लो नॉर्मल अर्थ सर्फेस है, ठीक है, और एक आपने गड्ढा कर दिया बहुत बड़ा, ठीक है, उसमें पानी भर दिया, ठीक है, अब उस गड्ढे के नीचे आपने जो है क्या किया, इसी तरह की प्लेट्स में मूवमेंट हुआ तो पानी क्या हुआ ऊपर, तो एक तरीके का अंदर का भूकंप है ना, तो वहां भी क्या है भाई, वहां भी प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहा है ऐसे, तभी आ रहा है, मतलब ऐसे दूर नहीं जा रही, दूर जाएगी तो ऑर्गेनिक है, ठीक है, बात आएगी तो ऑब्वियसली बात तो ऊपर फेंकेगा वो, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि जैसे अगर हम उसकी बात करें क्या बोलते हैं
पानी के बिल्कुल बीचों बीच में बात करें है ना, तो वहां पे क्या होगा आपका जो ये होता है वेवलेंथ वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वेवलेंथ मतलब एक ऑसिलेशन में जो डिस्टेंस कवर होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो अगर जो कोई बीच में एक ऑब्जेक्ट है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कब जो है आया गया, और एम्पलीट्यूड भी बहुत कम है ना, मतलब एक मीटर का है तो हल्का सा ऐसे उठेगा फिर बैठ जाएगा। लेकिन अगर जो वही हम लोग कोस्ट की बात करें, तटीय इलाकों की बात करें, तो वहां पे क्या होता है कि जो वेवलेंथ है वो कम हो जाती है। जब वेवलेंथ कम हो जाएगी तो क्या होगा, लेवल जब उठ जाएगा पानी का, जब भाई एक तो आपका इतने में आ रहा है ना, इतने में बन रही, फिर आपने क्या किया उसको स्क्वीज कर दिया, फिर क्या हो गया, वेवलेंथ कम हो गई तो पानी क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो जब एम्पलीट्यूड बढ़ गया है स्पीड कम हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, पानी बाहर आ गया बहुत तेजी से। ठीक है, लेकिन हाँ इसको डिटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बना है, दैट इज कॉल्ड डार्ट, है ना, डिटेक्शन ऑफ ओशियन, इसका फुल फॉर्म जो है डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ नमीज। तो इसमें ये जो तार लगे हुए हैं ना, ये सेंसर्स हैं, ये जो तार है ये सेंसर्स हैं, ये जो है जो सरफेस होता है ना इस पे जाके, जैसे क्या होता है वहां पे हमने अर्थ के सरफेस पर रख दिया तो भूकंप डिटेक्ट करेगा, लेकिन ये क्या होता है कि इसके जो सेंसर्स होते हैं उसको हमने जो आपका तल है ना समुद्री उस पर छोड़ दिया, तो क्या होगा जैसे कोई सीजनिक एक्टिविटी हुई तो हर से सेंसर ने जो है इंफॉर्मेशन इसको भेजी। ठीक है, और इसने जो है क्या करा, इंफॉर्मेशन अपने बेस स्टेशन से, जैसे मान लो अंडमान निकोबार या कहीं पे भी ओशियन में पड़ा हुआ है, और इसने क्या किया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और सेंड किया बेस स्टेशन पे। तो एक तरीके से सुनामी का हम प्री गेस कर सकते हैं, है ना, मतलब 8-9-10 घंटे पहले हम बता सकते हैं कि हाँ भूकंप आया है तो सुनामी आएगी। लेकिन भूकंप का जो है जो अर्थ क्वेक्स होते हैं उनका कोई जो है हम लोग प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो देखो आप सीधे मेजर ही कर रहे हो ना अर्थ बैठ के। ये क्या, इसने जो भूकंप आया तो सेंसर्स ने जो है डिटेक्ट किया और उसने जो है इन्फॉर्मेशन दे दी, तभी जो है पहले बोलते थे कि सुनामी लहरें आएंगी और आप जो है भाग रहे हो मछुआ रहे हो पहले ही बताया, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो ये भी बड़ा बहुत अच्छा है इंस्ट्रूमेंट, अगर जो आप कभी चांस मिले ऑब्जर्वेटरी में जाने का तो वहां पे आप एक बार कूद के जो भी देखिएगा तो पूरा ऐसे ऐसे देंगे भी लगता है ना। और ये तो खैर ये इसको मैंने भी नहीं देखा है, ये तो मैंने देखा हुआ है ये वाला, पर ये है तो ये सेंसर्स होते हैं ना वो बहुत काम के, जैसे हमने पढ़ा था ना एक्सेलेरोमीटर है ना, और कौन सा था आईआर सेंसर था है ना, गायरोस्कोप था, ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो है सब जगह यूज ना, कोई मूवमेंट हुआ टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ तो उसको जो है यही केबल्स है ऊपर भेजते। ठीक है ना, अब कल इसके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, और एक दो चीजें बची हैं, और क्या बचा है कसिम बताओ। सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हाँ मैं आपको सेंड कर दूंगा और भेज देना, अगर जो मेरी कल मैं क्लास लेता हूँ तो मैं पूछ लूंगा सर से कल। आज सर बाहर है, आज सर छुट्टी।